नमस्कार, आज हम एक ग्रामर की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर सिंथेसिस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि सेंटेंस अगर भाव के अनुसार देखे जाएं तो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। वो होते हैं आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम संरचना के आधार पर देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंपल सेंटेंस, नंबर दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर तीन कंपाउंड सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये बात करते हैं सिंपल सेंटेंस पर। जो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, इसकी पहचान क्या होती है? सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसे देखते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब क्या होती है? तो वर्ब के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो भागों में वर्ब को डिवाइड किया गया है। नंबर एक फाइनाइट वर्ब, नंबर दो नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके भी कुछ प्रकार हैं। जो फाइनाइट वर्ब है, इसके भी कुछ प्रकार हैं। जो फाइनाइट वर्ब है, इसके चार प्रकार होते हैं। नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर दो इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर तीन लिंकिंग वर्ब और नंबर चार ऑक्सिलरी वर्ब। जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसके भी प्रकार तीन प्रकार होते हैं, देखेंगे। नंबर एक पार्टिसिपल, नंबर दो जीरंड और नंबर तीन इन्फिनिटिव। इसमें जो आपका पार्टिसिपल होता है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट और नंबर तीन परफेक्ट। अब बात करेंगे फाइनाइट वर्ब, जो हम अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, ये क्या होती है देखेंगे। जो फाइनाइट वर्ब है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्ब टेंस के अनुसार बदलती है, ऐसी वर्ब्स जो टेंस के अनुसार बदल जाएं, अपना रूप परिवर्तन कर लें, तो उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ साथ इन्हें समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, आई गो टू टेंपल, आई गो टू टेंपल, मैं मंदिर जाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू टेंपल, मैं मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो गो वर्ब है और यहाँ पे गोइंग, इसका मतलब क्या है कि इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके अनुसार वर्ब लगी है, और यहाँ पे है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस वर्ब में टेंस परिवर्तन हुआ, वर्ब भी हमारी परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार की वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फिर बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। जो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी होती है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वर्ब्स जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसा कि एग्जांपल के साथ साथ देखेंगे, पहला लिखा हुआ आई वांट टू गो देयर, दूसरा लिखा है आई वांटेड टू गो देयर। यहाँ पे जो टू गो है, जैसा कि पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में टेंस बदले हुए हैं, लेकिन इन वर्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करती है, और जो फाइनाइट वर्ब है, वो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। अब बात करेंगे सबसे पहले नंबर की सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो इसकी पहचान होती है, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगी। फिर से देखेंगे जरा, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। ये वर्ब कौन सी है, अभी हम वर्ब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वर्ब होगी हमारी फाइनाइट वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर ले। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है। अब अगर हमसे कह दिया जाए कि दो सिंपल सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं,
और उनको जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। अब सिंपल की हमें पहचान तो आ ही चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सिंपल प्लस सेकेंड सिंपल इज इक्वल टू सिंपल, मतलब कि दो सिंपल सेंटेंस हमें दिए गए हैं उसको जोड़ के हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि इसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा और खुद की एक फाइनाइट वर्ब होगी। जो सेकेंड सिंपल लिखा हुआ है इसका भी एक सब्जेक्ट होगा और खुद की एक फाइनाइट वर्ब होगी। इन दोनों को जोड़ना है और एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसकी खुद का एक सब्जेक्ट हो और खुद की ही एक वर्ब हो। तो इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे जोड़ेंगे, इसके नियम क्या होते हैं, तो देखेंगे। जैसे कि हमारे सामने दो सेंटेंस दिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है टर्न टू द लेफ्ट, ये भी सिंपल है, और दूसरा लिखा है यू विल सी द क्लॉक टावर, यू विल सी द क्लॉक टावर। तो देखते हैं यहाँ पे हमने बोला टर्न टू द लेफ्ट और दूसरा सेंटेंस है यू विल सी द ऑफिस। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्न टू द लेफ्ट इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जबकि ऊपर बताया जा चुका है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई कहेगा आपसे कि टर्न टू द लेफ्ट यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू वो छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम यू को लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और दूसरे में ऑलरेडी दिया हुआ है कि यू विल सी द ऑफिस, कि तुम ऑफिस देखोगे। तो इसे दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे हमारा फार्मूला भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट सिंपल प्लस सेकेंड सिंपल इज इक्वल टू सिंपल। अब किस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे तो देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जो कार्य हमारा पहले हुआ हो, जो कार्य हमारा पहले हुआ उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके वो सेंटेंस लिखते हैं और फिर कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। इसका मतलब कि दूसरा जो भी सेंटेंस हमारा है उसको कॉमा के प्रयोग से जैसा लिखा है वैसा ही जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं टर्निंग टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द ऑफिस, उसका जब एक सिंपल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट कॉमा यू विल सी द ऑफिस। तो इस प्रकार से हम सिंपल बनाना सीखेंगे। ओके okay.